बॉथम पवेलियन एंड से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। सामना करेंगे गावस्कर, फील्डिंग की जमावट, तीन स्लिप्स, एक गली, कवर, मिड ऑफ, ऑफ साइड में और वाइड डिश में डाउन, मिड विकेट, पावर शॉट लाइक ऑन साइड में। बॉथम ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, दाया हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर, गेंद के साथ छिड़खानी करने का प्रयास किया गावस्कर ने। भाग्यशाली रहे कि गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकता था। तारीफ करनी होगी बॉथम की कि जिन्होंने गम की लंबाई और दिशा दोनों पर अच्छा नियंत्रण रखा है और काफ़ी परेशानी में डाल रखा है भारतीय सलामी बल्लेबाजों को। इसी बीच अगली गेंद गुड लेंथ, इस बार ऑफ और मिडल स्टंप पर, गावस्कर ने बायां पैर बाहर निकाला, गेंद के ठीक पीछे आकर सम्मानजनक तरीके से वापस पुश कर दिया है गेंदबाज की ओर। बॉथम ने फॉलो थ्रू में गेंद उठाई है और वापस चल पड़े हैं अपने बॉलिंग रनअप की ओर। फील्डिंग की जमावट एक बार फिर देखें, पहली स्लिप में खड़े हुए हैं गावर, दूसरी पर बायकॉट, तीसरी पर बुचर, गली पे हैं गूच और इसी बीच बॉथम की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार थोड़ी सी शॉट, स्क्वायर कट कर दिया है गावस्कर ने, गली के पास से गेंद के पीछे भाग रहे हैं गूच, पहला रन भाग कर पूरा किया गावस्कर ने, दूसरे के लिए मुड़े बैट्समैन और गूच नहीं रोक पाए हैं गेंद को, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन।